Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया वीडियो. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यानी कि मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हैं वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस के भी लिंक छोड़ दूंगी. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशंस यानी कि कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं सारी एक्सप्लेन की है. तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो किस तरीके के ये बेसिकली मैंने इसलिए डाले हैं ये क्वेश्चंस ताकि आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. यानी कि बैड डेब्ट्स, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ. बैड डेब्ट्स, ओके, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जो पैसा हमारा डूब गया. यानी कि मान लीजिए कोई कस्टमर था जिससे हमें पैसे लेने थे, ये कस्टमर किसी रीजन से हमें मनी नहीं दे रहा. ओके, और इस वजह से हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया. कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविजन वर्ड ऐड है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी भी डूबा नहीं है, हमें ये क्या है, डाउट है. अगर ओनली बैड डेब्ट्स बोले तो ओनली बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि पैसे डूब गए. लेकिन अगर हम उसके साथ प्रोविजन ऐड कर दें यानी कि हम को लग रहा है ये डूब जाएगा इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम प्रोवाइड कर देंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक प्रोविजन डाल देंगे कि हाँ इतने पैसे के ऊपर मुझे डाउट है. मान लीजिए 20,000 रुपये, इस 20,000 रुपये के ऊपर मुझे डाउट है जो मुझे मिस्टर ए से मिलने वाले हैं कि शायद मुझे ये पर्सन पैसे वापस नहीं करे. कोई भी रीजन हो सकता है, आप देख रहे हो उसकी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, रिसेंटली उसकी दुकान जल गई, रिसेंटली बैंक ने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया उसके खिलाफ, बैंक ने आके उसकी दुकान जब्त कर ली, कुछ भी. तो आपने ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से आपको डाउट हुआ कि ये पैसा डूब सकता है. ओके, तो आपने क्या किया, इसे प्रोवाइड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ओके, तो ये प्रोविजन देने के लिए कौन सा रूल है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कन्वेंशन है जो कहता है कि हमें हर लॉसेस को, ये एक तरीके का लॉस हो गया, तो हमें हर लॉस को प्रोवाइड करना चाहिए. तो ये है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमें डाउट है कहीं पे तो इस डाउट को हम बुक में ज़रूर शो करें कि मुझे डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, ताकि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे तो उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में इतने पैसे डूबने के चांसेस हैं. ओके, तो वो क्या होगा ना, एक प्रॉपर, आपको प्रॉपर फिगर देगा एक बिजनेस के बारे में, एक राइट पिक्चर आपको शो करेगा. ओके, तो ये है कंजर्वेटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम कैसे डिवाइड करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या कवर होता है. पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है कन्वेंशंस और तीसरा है फंडामेंटल एजाम्पशंस. ओके, कुछ हम लोग एजाम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग के, जिस तरीके से हर सब्जेक्ट के होते हैं हम कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, एजाम्पशंस उस तरीके से अकाउंट्स के भी हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसके आंसर है सब कुछ. प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स भी कवर करता है, कन्वेंशंस भी कवर करता है और एजाम्पशंस भी कवर करता है, और ये सारी चीजें कवर करता है. इस वजह से हम इसे क्या लिखते हैं, ऑल ऑफ द अबव. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. यानी कि अगर हमें कहीं से पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट होने वाला है, जिस तरीके से वहां पे क्या हो रहा था, बैड डेब्ट हो रहा था, हमें डाउट था कि ये पर्टिकुलर पर्सन पैसे नहीं देगा, उसी तरीके से आपको ये भी तो अंदाजा हो सकता है कि मुझे कहीं से फायदा होने वाला है. लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रूल कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट का अगर आपको डाउट है तो उसे आपको नहीं लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉफिट हम कर लें. ओके, और अगर आपको लॉस
का डाउट होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो उस लॉस को हम प्रोवाइड कर देंगे यानी बुक्स ऑफ अकाउंट पे शो कर देंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। ओके, तो ये मत भूलिएगा प्रूडेंस, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको सिर्फ प्रूडेंस ही मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज नोन एज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम अकाउंट्स फुल बुक्स यानी कि अपने बिजनेस की लाइफ को पर्टिकुलर ईयर्स में कन्वर्ट करके उसके प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, यानी कि उसे पार्ट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, हर एक साल, हर एक पीरियड, 6 महीने हो गए, साल भर, जो भी पीरियड आप फॉलो करते हो, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो ये इसी का कहीं ना कहीं दूसरा नाम है। ओके, जिससे अगर कोई अकाउंटिंग पीरियड बोले या फिर सिर्फ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोले, बात दोनों का सेम है। ओके, मतलब दोनों का सेम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि WDV मेथड, यानी कि इसका फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका है। मान लीजिए आज आपने एक एसेट खरीदा, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी और वो कार को आप चलाने लग गए, और पूरे साल भर में आपको लगता है कि मेरी कार 10% तो डिटोरिएट होती ही है, मतलब अपने वैल्यू से 10% नीचे गिर जाती है। तो मान लीजिए आपने ये 10 लाख में खरीदी थी। ओके, तो अगर आपने ये 10 लाख में खरीदी थी तो आप साल के एंड में इसमें से 10% माइनस कर दोगे। ओके, यानी कि मान लीजिए हमने 1 लाख माइनस कर दिया। अब ये माइनस हम करेंगे तो बाकी का कितना बचा, अब आज की डेट में कार की प्राइस कितनी शो होगी, 9 लाख। अब अगले साल फिर हम 10% डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 10% हम इस अमाउंट के ऊपर निकालेंगे। इससे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यानी कि जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर हम दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो जो बैलेंस आएगा, इस बैलेंस के ऊपर हम नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने फॉलो कर लिया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया है किसी साल में, ओके, तो स्टेटस नेम ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएटिंग ए पर्टिकुलर एसेट ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि आप इसी मेथड को सालों साल करते जा रहे हैं, आपने अपने मेथड में कोई चेंज नहीं किया, आपने एक बार रिटन डाउन फॉलो किया और आप उसे सालों साल फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, वो बताता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, यानी कि किसी भी मेथड को अगर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है, आप मेरी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी मेथड को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो करते हैं तो कोशिश कीजिए आप उस मेथड को मेंटेन रखें। बार बार मेथड चेंज करने से क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग होती है उसमें डिफिकल्टी भी होती है, हम कंपेयर नहीं कर पाते, हम ठीक से प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, प्रॉपर प्रॉफिट लॉसेस निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने मेथड को बार बार चेंज ना करें, एक बार जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं उसे आप सालों साल फॉलो करने की कोशिश करें। अनलेस एंड अंटिल कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि आपको लग रहा है ये मेथड तो मुझे नुकसान दे रहा है, तब आप उसे चेंज कर सकते हो, वो भी प्रॉपर वैलिड रीजन देके, प्रूफ देके, फिर आप उसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि कंटिन्यूअसली फॉलो करो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, यानी जैसे ही आपने सेल करी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, हम इस चीज का वेट नहीं करते कि कब कैश आएगा और कब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कौन सा है, जैसे ही सेल पॉइंट ऑफ सेल्स हुआ तो रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज हो जाता है, ये कौन कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कि हम अपने रेवेन्यू को यानी कि अपनी इनकम को तब क्या होगा, इसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, मान लेंगे कि हमने अर्न कर लिया। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, सेपरेट पर्सन, यानी कि हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर मेरा वीडियो आप चेक करोगे तो सबसे पहले वीडियो में ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एक शॉप है। ओके, ये शॉप है और ये पर्सन है, ये
है तो इसी की दुकान, ये ओनर है, लेकिन फिर भी जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, हम इसकी बुक सेपरेट मेंटेन करते हैं, इसकी बुक सेपरेट मेंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है उसे हम एक अलग पर्सन मानते हैं और ये एक अलग पर्सन है, दोनों एक डिफरेंट पर्सन है। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ बिजनेस में ना रिकॉर्ड कर दे और कोई भी बिजनेस की चीज़ पर्सनल में ना रिकॉर्ड कर दे, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो मिक्स ना हो जाए। आप घर का राशन ला रहे हो और अगर आप शॉप के बुक्स में लिख रहे हो कि मैं राशन लाया, तो ये गलत है, क्योंकि ये राशन कहीं ना कहीं आपके घर पे गया है, ये शॉप में नहीं आया है। ओके, तो इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे एक बिजनेस को और एक पर्सन को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आपको मैं अगेन एंड अगेन फिर से रिपीट करके बोल रही हूँ कि आप जरूर वीडियोस चेकआउट करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे समझेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, या अगर क्लियर हो गया तो सेम क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन घूम गया कुछ और आया तो फिर आप सोचने लगोगे कि इसका आंसर क्या होता है। इसलिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम किसको मैच करते हैं? एसेट लाइबिलिटीज़ को, कैपिटल इनकम को, रेवेन्यू एक्सपेंस को, और एक्सपेंस और कैपिटल को। तो हम यहाँ पर मैच करते हैं रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। ओके, आपने जो भी अर्निंग की है उस अर्निंग को करने के लिए आपके जो खर्चे हुए आप उसको माइनस करते हैं हमेशा। इसलिए किसी भी चीज़ से अगर आपको रेवेन्यू हो रहा है तो उसी चीज़ से आपका खर्चा कितना बढ़ रहा है, आप हमेशा इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने फ़ायदे में हैं। ओके, आप घर से मान लीजिए टिफ़िन सर्विस रन कर रहे हैं। ओके, और ये टिफ़िन सर्विस में आप चीज़ें खरीदते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना, और वेजिटेबल्स बनाया, फ्रूट्स काटा, या जो भी, मतलब आपने टिफ़िन को एक फुल फ्लेज टिफ़िन बनाया, इसमें काफ़ी मेहनत है, आपके काफ़ी रिसोर्स लग जाएंगे, हो सकता है आपको हेल्पिंग हैंड या हेल्पर भी रखना पड़े उस चीज़ के लिए। तो आपने ये टिफ़िन सर्विस शुरू तो कर दी, लेकिन अगर आप इस से कंपेयर नहीं करोगे कि मेरे एक्सपेंसेस क्या हुए, मैं अर्निंग तो कर रही हूँ लेकिन हो सकता है कि मेरे एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा हों, तो आपको हमेशा कंपेयर करना ये देखने के लिए कि मैं जो इससे कमा रही हूँ क्या मेरे एक्सपेंसेस को कवर कर रहा है। मान लीजिए एक्सपेंसेस 1000 रुपये के हो रहे हैं और आप कमा रहे हैं 1500, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ओके है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। एक्सपेंसेस सारे पूरे हो जाने के बाद भी आपके हाथ में 500 रुपये बचेंगे, यानी कि यू आर अर्निंग हियर। ओके, इसी वजह से हम रेवेन्यू और इसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अजम्पशन दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट सोल्ड और लिक्विडिएट इन नियर फ्यूचर। हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है अभी क्लोज डाउन नहीं होने वाला है, फ्यूचर में चलेगा, यानी कि इसकी लाइफ अभी भी है। तो ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मेन मतलब मोटो क्या होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है? ये इसलिए होता है कि जब हम किसी बुक्स को या जब हम किसी बिजनेस को ये मानते हैं कि ये बिजनेस अभी चलेगा, शट डाउन नहीं होने वाला, ये अभी रनिंग बिजनेस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तो चलेगा ही चलेगा, तो ये एक रनिंग बिजनेस। तो रनिंग बिजनेस में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो मेथड अलग होता है, और वही बिजनेस जब शटडाउन होता है तो इसका रिकॉर्ड करने का तरीका अलग होता है। इस वजह से हम इस चीज को देखते हैं कि अगर वो रनिंग बिजनेस है, अगर वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस अब फ्यूचर में रन करेगा, तो हम उसी तरीके से अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपको पता है मेरा बिजनेस शटडाउन होगा, तो फिर आपका जो रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका है वो हो जाएगा डिफरेंट। ओके, तो नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ओके, तो ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? दो साइड का रिकॉर्डिंग, तो यानी कि डबल एंट्री। यहाँ पे डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो जो भी चीज़ हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, मान लीजिए आपने डेबिट में 1500 रिकॉर्ड किया, तो क्रेडिट में भी घूम फिर के 1500 रिकॉर्ड होना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो क्या है आपकी एंट्री भी गलत आएगी, प्लस लास्ट में जाके आपका आंसर भी गलत आएगा। ओके, तो डबल एंट्री कहते हैं अगर dual aspect, dual double, okay? According to which concept the total amount debit is equal to credit? तो ये भी है dual aspect concept, ठीक है ना? आपको कौन सा concept ये कहता है कि debit हमेशा credit के बराबर है, तभी तो जाके हमारी balance sheet match होती है last में, है ना? इस साइड लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों के तरफ जो बैलेंस है वो इक्वल आता है, इसी वजह से कि हम कोशिश करते हैं हर डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके, तो ये भी हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट, या फिर हर डेबिट को रिकॉर्ड करो क्रेडिट में, ये भी, और इसी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप।
तो गैप का फुल फॉर्म क्या है? गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन है, ओके, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो काफ़ी एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन मत रखिएगा, अच्छे से इसे याद रख लीजिएगा, ओके। तो ये थी मेरी वीडियो, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा और ज़रूर लौटिएगा दोबारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।